चलो सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अपन एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, बराबर है क्या? बराबर है ना? चलो ये हो गया था ना कंप्लीट। चेक करो, एक्स डीलर इन पेंटिंग, आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़ लो जरा, ग्रुप में लिंक भेज दो। चलो ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या, कंफर्म करना एक बार। ओके, श्री अनिल फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, कंप्यूट इज टोटल इनकम, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स 18,000, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 15,000 अंडर कंपोजिट लीज 150 है, कलेक्शन चार्जेस उसके 1,000 रुपया है, रिपेयर्स 5,000 है, कैपिटल रिपेयर्स 16,000 है, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस 8,000, गिफ्ट फ्रॉम फादर मिला 6,000, ग्राउंड रेंट रिसीव्ड फॉर 22-23 600 रुपया है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन अलाउबल है 4,000, फायर इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग मशीनरी ₹1,000 नॉट पेड, ठीक है। नाउ अभी ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है। ओके, तो ये जो सिंपल है, कैश बेसिस का मतलब क्या है, जो एक्चुअल खर्चा हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा, जो ड्यू बेसिस पे खर्चा है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश बेसिस। माई इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन रिसिट बेसिस एंड माई एक्सपेंसिस विल बी बुक्ड ऑन पेमेंट बेसिस। मर्केंटल बेसिस पे कोई इनकम बुक नहीं होगा और कोई खर्चा भी बुक नहीं होगा, ठीक है। और उसमें देखा जाए तो दो ही इनकम है, और ये दो, ये चार इनकम्स दिए हैं और उसमें अगेंस्ट ये खर्चे दिए हैं। ये खर्चे जो दिए वो लेटिंग ऑफ बिल्डिंग के दिए, ये चारों खर्चे किसके हैं, बिल्डिंग के हैं, प्लस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन ये भी उससे रिलेटेड है। एंड तो ये जो पूरा डेटा जो मैंने ब्रैकेट किया है ये कौन से इनकम से रिलेटेड है, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग से रिलेटेड पूरा इनकम है, ठीक है। चलो तो एक आधे पेज कर लो, छोटा क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करना है। आपने नोट्स का इंक्वायरी किया क्या ऑफिस में जाके, क्या बोले वो? हाँ मैम, एक मिनट चेक करता हूँ, खुद चेक कर दो, एक दो मिनट दो। कंप्यूटेशन ऑफ क्या, कुछ टोटल इनकम पूछा है ना, कंप्यूटेशन इनकम टैक्स नहीं पूछा है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर क्या नाम है, अनिल, फॉर एवा 24-25। चलो रूलिंग लो आप पेज का। चलो
टेग रोलिंग हाफ पेज का, मैं ग्रुप पे मैसेज डाला है, लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है। ऑनलाइन लिख लिया, जस्ट 1 मिनट, इसको एकदम छोटा कर दिया। देख ओके हो गया। चलो कौन सा इनकम है? अच्छा इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर, बताओ उसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या? वो एक ही इनकम है, बाकी बिल्डिंग के रेट सब एडजस्टमेंट है, गिफ्ट फ्रॉम फादर है एंड ग्राउंड रेट रिसीव्ड। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद लेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर कंपोजिट रेंट, तो अपन ने पढ़ा था कि कंपोजिट रेंट में जो ये एचपी में पढ़ा था कि बिल्डिंग का रेंट एंड एसेट्स का रेंट, दो रेंट आते उसको बोलते कंपोजिट रेंट। तो अगर ये सेपरेट हो सकता है तो बिल्डिंग का रेंट एचपी में जाता है एंड बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। एंड अगर ये स्प्लिट नहीं हो सकता है, मतलब लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट एसेट्स, तो या तो पूरा इनकम अदर सोर्स में आएगा या तो बिजनेस इनकम में जाएगा। मैंने JW मेरिट का एग्जाम्पल दिया था कि उनके लिए वो बिजनेस इनकम है, बट मेरा फार्मर से मैंने कभी कभार लेट आउट किया तो मेरे लिए वो इनकम फ्रॉम, हाँ तो कंपोजिट रेंट का तीन जगह पे आ सकता है। तो यहाँ पे वो अदर सोर्स में दिया है, मतलब वो ऐसे ही फॉलो करना है। लिखो लेटिंग ऑफ क्या नाम दिया है, बिल्डिंग एंड मशीनरी, इनर कॉलम में लिखो 1,50,000 का इनकम मिला है। अब इसमें से देखेंगे कौन से एक्सपेंस हम माइनस कर सकते। देखो क्या क्या एक्सपेंसेस है, कलेक्शन चार्जेस माइनस होंगे। अभी कैसे पता चलेगा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं, नोट्स में मैंने लास्ट सेक्शन दिया सेक्शन 58, वहां पे दिया कि कौन से खर्चे अलाउड नहीं है, तो बाकी सभी खर्चे अलाउड है क्योंकि अदर सोर्स में कोई भी इनकम आ सकता है। एज ए फैकल्टी अभी हर एक इनकम का क्या खर्चा मैं कैसे बताऊंगा, तो आपको लॉजिक अप्लाई करना है, बट सेक्शन 58 ध्यान में रखना। तो जरा पढ़ लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 58 देख लो क्या है, लास्ट पेज पे दिया है। हाँ तो वो खर्चे नहीं मिलेंगे, कौन से बताऊं, हाँ पर्सनल एक्सपेंस नहीं मिलेंगे, वेल टैक्स नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट है जो इंडिया के बाहर पे किया जिसका TDS कट नहीं हुआ है वो नहीं मिलेगा, और सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया वो नहीं मिलेगा। तो वो छोड़ के बाकी सब खर्चे मिलेंगे। तो आपको बोला अभी पहला बताऊं कलेक्शन चार्जेस मिलेगा कि नहीं बताऊं, मिलेगा, अरे हाँ या ना मिलेगा, रिपेयर्स मिलेगा। नाउ कैपिटल रिपेयर्स मिलेगा या उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, है ना, कैपिटल रिपेयर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा क्लेम कर सकते हैं क्या अदर सोर्स में, क्या उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS अभी अपन ने पढ़ा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस खत्म। तो आपने कितना खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, 16,000, एंड देखो उसका डेप्रिसिएशन दिया है ऑलरेडी 4,000, है ना, तो ये इससे कनेक्टेड है, वो भी देखते हैं हम क्या करना है। अच्छा फायर इंश्योरेंस दिया वो भी मिलेगा बट नॉट पेड, अगर मर्केंटाइल सिस्टम होता तो मैं क्लेम करता, ये बंदा कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो ये भी नोट लिखेंगे कि क्या सिस्टम में एक्सपेंस पेड बेसिस पे अलाउड है, ड्यू बेसिस पे अलाउड, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो पहले मैंने जो क्रॉस किया वो समझा के बताओ, पहले उसका सेक्शन 58 में दिया है तो पहला क्रॉस क्यों नहीं मिलेगा, जो मैंने पहले क्रॉस किया वो क्यों नहीं मिलेगा, TDS कट नहीं हुआ है, सेकंड क्रॉस क्यों नहीं मिलेगा, हाँ कैश बेसिस पे फॉलो कर रही है, मर्केंटाइल सिस्टम थोड़ी है, तो उसने पे नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिपेयर का कैपिटल 16,000 है, अभी बताओ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 16,000 ये एसेट के कॉस्ट में ऐड हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड उसके बाद ही अपन ने डेप्रिसिएशन निकाला रहेगा, तो ये अज्यूम करना लॉजिकल है कि नहीं कि 4,000 में
डेप्रिसिएशन में वो इंक्लूड है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एडिशन करने के बाद ही आएगा। ओपनिंग प्लस परचेस, फॉर्मेट क्या है देखो, ओपनिंग प्लस परचेस लेस सेल्स एंड बाद में डेप्रिसिएशन आता है। तो कैन वी कंक्लूड ये 4000 में सब कवर्ड है, तो उसका अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी नहीं क्लेम करूंगा और ये टिक करूंगा। तो जो मैंने टिक किया वो आपको लिखना है एक्सपेंस में, लिखो फिर मैं लिखता हूँ आपके नोट्स नहीं लिखो, या ऑनलाइन समझा के बताओ। तो क्या क्या लिखेंगे, लेस कलेक्शन चार्जेस 1000, लेस रिपेयर्स 5000, लेस डेप्रिसिएशन 4000, लिख दो जो टिक किया लिखो फिर मैं लिखता हूं। बोलो पहले क्या लिखना है, लेस कलेक्शन चार्जेस कितने हैं 1000, लेस रिपेयर्स लिखो 5000, लेस डेप्रिसिएशन 4000, खत्म। 1,10,000 आएगा, नहीं सॉरी सॉरी 1,40,000 आएगा। मैं नोट्स लिख के देता हूं, पहले आपको समझा के बताओ, क्लियर है। नेक्स्ट, गिफ्ट फ्रॉम फादर, आपको पता है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव क्या है, एग्जेम्प्ट एनी अमाउंट। तो गिफ्ट फ्रॉम फादर ये कौन है, रिलेटिव है ना, तो ये एग्जेम्प्ट है। अभी ग्राउंड रेंट रिसीड हुआ है, ये 22 तेईस का इनकम है, हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो इमेजिन करो 22 तेईस में क्या हो रहेगा, ये 22 तेईस में ड्यू रहेगा, उस साल अपने इनकम लिया रहेगा नहीं कैश बेसिस पे, बट इस साल रिसीड हुआ है तो इस साल का इनकम होगा कि नहीं होगा। नॉट दैट इट बिलोंग्स टू करंट प्रीवियस ईयर, अगर ये मर्केंटल होता तो उसी साल ऐड कर देते, फिर इस साल ऐड नहीं होता, बट ये कैश बेसिस उस साल ऐड, तो इस साल क्या होगा वो ऐड होगा। तो लिखो ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, नोट लिख के देता हूं मैं। कितना है 600 रुपया। क्वेश्चन समाप्त, यह आ गया टोटल इनकम 1,58,600। चलो नीचे फटाफट वर्किंग नोट नंबर लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1। ऑनलाइन हो गया सबका रिप्लाई करो, फिर सभी नोट्स लिख के देता हूं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस इज डिसअलाउड। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, लिखा यहां तक, लिखा कि नहीं, इज नॉट allowed as a deduction under section 58, is not allowed as a deduction under section 58. Second point, as Mr. Anil is following cash basis of accounting, working note number 2, as Mr. Anil is following cash basis of accounting, as Mr. Anil is not following is following cash basis accounting, in that point number A, ground rent received is taxable on received basis. Point number A, ground rent received is taxable in the year of receipt. Ground rent received
इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. ग्राउंड रेंट रिसिप्ट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. पॉइंट नंबर बी, इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस. इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस. इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस. नोट नंबर थ्री लिखो, वर्किंग नोट नंबर थ्री. गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट. नोट नंबर थ्री, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट. ठीक है, तो सभी नोट्स भी लिख के थे, अभी क्लियर है क्या? कोई डाउट लग रहा है? तो इसलिए कैश सिस्टम का एक क्वेश्चन लिया था. आई होप इट इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. मिस्टर एक्स मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा इसमें कुछ तो रह गया है. ठीक है, देखते हैं. इट होल्ड फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन 1 अप्रैल 2023. 4,30,000 के इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है. 7% MP गवर्नमेंट लोन. डेट ऑफ पेमेंट 15 जुलाई एवरी ईयर. 3,80,000 की इन्वेस्टमेंट है. 11% डिबेंचर में. नॉन लिस्टेड ऑफ एबीसी लिमिटेड. डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 जून एवरी ईयर. 30 जून एवरी ईयर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम अबोव सिक्योरिटीज एक्स इन्वेस्ट इन यूपी गवर्नमेंट लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ पीक्योर लिमिटेड एंड रिसीव्स ऑन 1 December 2023 36,000, 90,000 and ₹1,08,000. ओके, तो उसने तीन जगह पे इन्वेस्ट किया है, यूपी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिबेंचर्स ऑफ पीक्यू. तो तीन जगह पे जो उसने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है. 36,000 मिला है, 90,000 मिला है, 1,08,000 मिला है, नेट ऑफ TDS मिला है, मतलब 10% कट करके मिला है. ठीक है. इस बिजनेस इनकम इज 24,32,000. He pays 6,000 as a commission to bank for collecting interest on securities. Minus होगा वो. Determine the taxable income of X for the assessment year 24-25. ठीक है. Now, अभी अपने investment accounting किया है क्या accounts में? या BCom में आपका investment accounting हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. ठीक है. तो थोड़ा तकलीफ था एक काम है फिर. बता दो, कोई problem नहीं है. अभी यहाँ पे ना आपको इंटरेस्ट हर साल मिलेगा 15 जुलाई का, बराबर ना, एवरी ईयर. और यहाँ पे जो मिलेगा वो 30 जून को मिलेगा हर साल का. अभी आपने प्रीवियस ईयर में डेट एक ही बार आने वाला है, आपने प्रीवियस ईयर में डेट एक ही बार आएगा ना. एक साल में 15 जुलाई एक ही बार आएगा, 30 जून भी एक ही बार आएगा. अभी जरा 4,30,000 का 7% करो, देखो कितना आता है. 4,30,000 इन्वेस्टमेंट है ना, 30,100. अभी बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है यहाँ पे बता दो. यहाँ पे 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? 30 जून को मिलेगा. तो इसमें से अप्रैल में जून तो इस साल का ही है. अगले जो 9 months का इंटरेस्ट है टेक्निकली अगले साल मिलेगा. अरे पूरे साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा. अब क्वेश्चन नहीं समझ रहे. 1 April 2023 से 31 March 2024 पहला इंटरेस्ट 30 जून को मिलेगा, कितना मिलेगा? 30,100 जो एक साल का होगा. वो एक साल यहां से होगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये पहले वाला है 30, कौन सा ये 30 जून वाला है. एंड दूसरा 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई को एक साल का मिलेगा, वो भी उसके पहले एक साल का रहेगा. तो ऐसे ये 1 year का इंटरेस्ट है, लेकिन अपना प्रीवियस ईयर तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्निकली इस साल का इतना छे और सेकंड केस में इतना छे. ये आपको समझा क्या मैं बता रहा हूं? मतलब मैं प्योर अकाउंटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट एक साल के बाद मिलेगा. तो 30 जून जो को इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपने अमाउंट बताया उसमें पूरा इस साल का नहीं होगा ना,
3 months का इस साल का होगा और पहले 9 months का पहले साल का होगा. सिमिलरली यहां से यहां तक 1 जुलाई से 15 जुलाई और यहां पे 1 अप्रैल सॉरी हाँ एंड यहां पे 1 अप्रैल से 30 जून. इतना ही करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ये आपको समझा के पहले बताओ. तो क्वेश्चन है कितना लेंगे फिर इंटरेस्ट. अच्छा अभी बाकी के 9 months का ड्यू बेसिस पे आएगा तो ईयरली लेना है. ये जो 9 months इसका आएगा कि नहीं ड्यू बेसिस पे. तो इसके आगे का जो लेना है वो कौन से बेसिस पे लेना है तो इंटरेस्ट पूरा ही लेना है. अगर बोलते कि वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो भी पूरा ही आता क्योंकि रिसीव तो पूरा हुआ है. तो अब कंफ्यूज मत होना कैश बेसिस हो या मर्केंटाइल हो. कैश बेसिस हो तो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है तो भी पूरा टैक्सल होने वाला है. तो मर्केंटाइल फॉलो करेंगे तो भी पूरा टैक्सल होगा. तो इंटरेस्ट आपको हमेशा पूरा लेना है. इंटरेस्ट आपको हमेशा पूरा लेना है क्योंकि इस साल का इनकम इतना ही चाहिए. बोले वो अलग पीरियड के लिए मिल रहा है बट पर ईयर तो इंटरेस्ट इतना ही है ना. आप इस साल का इनकम निकालोगे तो उतना ही आएगा. आप 12 महीने का पीरियड कोई भी लो इंटरेस्ट तो सेम आएगा कि नहीं आएगा. तुम अप्रैल टू मार्च भी काउंट करोगे तो भाई इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा ना. अगर तुम्हारा बैंक में 10 लाख का FD है 10% ब्याज है तो 1 लाख रुपये इंटरेस्ट आने वाला है. तुम फाइनेंशियल ईयर कोई भी काउंट करो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इंटरेस्ट कितना आएगा 1 लाख. तो अपने को पूरा इनकम लेना है ये आपको समझा क्या. तो एग्जाम में ऊपर कैश बेसिस देंगे या कोई भी दोगे ठीक है. अभी अपने नोट्स है अगर आप नोट्स में आते हैं तो आइए इंटरेस्ट ऑन नोट्स में ही है. देखो आपके नोट से क्या है उसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी करके दिया है. जरा सिक्योरिटी इज टैक्सल ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय द SAC. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो टैक्सल होगा. तो कैश बेसिस भी फॉलो कर रहे तो भी रिसीव हुआ है एंड मर्केंटाइल भी फॉलो कर रहे तो भी ड्यू हुआ है कि नहीं हुआ है. 3 months का मिला है और 9 months का ड्यू हुआ है तो कैसे फॉलो करो इनकम तो पूरा आने वाला है. समझा क्या. तो दोनों है यहाँ पे. तो यहाँ पे तुम कैश बेसिस पे करो या मर्केंटाइल आपको क्या करना है पूरा इनकम लेना है. आप जो फॉलो करेंगे कैश में फॉलो करोगे तो रिसीड हुआ है एंड ड्यू पे करोगे तो ड्यू भी तो हुआ ही है 12 महीने का. एज ऑन मार्च इंटरेस्ट ड्यू हुआ है कि नहीं हुआ है भले रिसीड नहीं हुआ है. तो अपने को एग्जाम में इंटरेस्ट कितना लेना पहले चलो तो लिखो बाकी अपन देखते क्या है. एंड ये तो मिला से ना रिसीव हुआ मतलब तो मिला छे. ये मिला है तो एज इट इज आएगा. अच्छा अपन ने पढ़ा था कि इनकम लेते समय हमेशा कौन सा इनकम लेना है ग्रॉस इनकम या नेट इनकम बताओ. कोई भी हेडो इनकम लेते समय कौन सा लेना है ग्रॉस इनकम मतलब बिफोर TDS क्योंकि बाद में अपन टैक्स निकाल के उसमें से TDS क्या करते हैं माइनस करते हैं. चलो तो यहाँ पे जहां जहां पे नेट इनकम है वहां वहां पे आपको ग्रॉस इनकम करके लेना पड़ेगा. तो आखिरी के जो 3 इनकम है मतलब जहां जहां पे दिया उन्होंने TDS कट होके वहां पे आपको TDS एड बैक करना है. चलो आइए लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इसमें कोई दूसरा इनकम है नहीं ना. क्या बिजनेस इनकम भी दिया है ना शायद इसमें. तो मैं लिखता हूं टोटल इनकम लिखता हूं. फिर क्वेश्चन का हेडिंग चेक करना पड़ेगा. अगर एक ही हेड का इनकम दिया तो वो लिखो. अगर मल्टीपल हेड की इनकम दिए तो टोटल इनकम लिखो. तो आपको चेक करना है यहाँ पे बिजनेस इनकम भी दिया है. देखो दिया नहीं बिजनेस इनकम. तो ये एक हेड का या मल्टीपल हेड का है. मल्टीपल है तो इसलिए अपन टोटल इनकम लिखेंगे. तो हेडिंग क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता. आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा किसी एक हेड का क्वेश्चन है या मिक्स क्वेश्चन है. मिक्स क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे टोटल इनकम. हेड का है तो हेड का नाम लिखेंगे. एंड हम कंफ्यूज हो गए तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स. बट ऐसा मत करना सिंपल है. सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 24-25. चलो पहले लिखो रेडी.
तो ये दोनों का इंटरेस्ट लिख लो, लोन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड, और उसका परसेंट निकाल के लिख दो, लिखो 7% एमपी गवर्नमेंट लोन, तो 4,30,000 का 7% दिखाओ पर्टिकुलर्स में एंड अमाउंट में लिखो। दूसरा लिखो 11% डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, 3,80,000 इंटू 11%, ये दोनों नाम लिखो, इंटरेस्ट लिखो, फिर मैं लिखता हूँ, आप लिखो फिर मैं लिखता हूँ, मतलब आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। लिखा पहले दोनों, क्या लिखा पहले, 7% एमपी गवर्नमेंट लोन, कितना इन्वेस्ट किया अपन ने, 4,30,000 का 7%, कितना आ रहेगा, 30,800 ना, अच्छा 100। दूसरा लिखो 11% डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, कितने के डिबेंचर्स है देखो स्क्रीन पे, 3,80,000 के डिबेंचर्स है इंटू 11%, 41, एट हंड्रेड, नेक्स्ट ये तीन इंटरेस्ट और मिले, इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट लोन, इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। तो लिखो पहले इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट लोन, देन लिखो इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीसरा लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड। अच्छा एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो हमेशा ग्रॉस मानना है, कुछ नहीं है तो क्या मानना है, ग्रॉस। लिखा दिनो, हो गया लिख के, चलो पहला बताओ अमाउंट बताओ भाई, अभी पहला अमाउंट है 36,000, पहला मिला है 90,000, कॉपी करो किया, एंड 1,08,000 को 10% टीडीएस कटो, मतलब दिस इक्वल टू 90%, तो 1,08,000 डिवाइड बाय 90% करो। तो अमाउंट बताओ पहला कितना आ रहा है, 36,000, दूसरा 90,000, एंड ये कितना, 8,000 डिवाइड बाय 0.9, 1,20,000। अब ये खर्चा क्या माइनस करो, कमीशन टू बैंक, बैंक को कमीशन दिया ये इंटरेस्ट जमा करने के लिए, तो माइनस करना है। अदर देन सेक्शन 58 सभी खर्चे माइनस होते हैं, अपन ने पढ़ा है 58 में कौन सा नहीं होता है, ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें मैं ऐड करूंगा बिजनेस इनकम जो रेडीमेड दिया है, 5, फिर आएगा जीटीआई, क्वेश्चन समाप्त। बिजनेस इनकम दिया है 24,32,000, चलो ये एडलेस करके बताऊं, 6,000 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 3,11,900, ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन रिप्लाई करो, बराबर है क्या, दोनों मिला के 27,27, 43,900, हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे अदर सोच के 3 क्वेश्चंस। आइए, हो गया सबका, सबके समझ में आ गए। आइए आगे, नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स गिफ्टेड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी टू मिस वाई, तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 61 अपन ने पढ़ा था कि सेक्शन 61 में ने अपने एसेट ट्रांसफर किया है, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर एसेट लाइफ टाइम के लिए दिया है तो इनकम क्लब नहीं होगा। अगर लाइफ टाइम के लिए नहीं है, आपके पास पावर है, पावर टू रिवोक, तो अगर ये रिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम डे वन से क्लब होगा। इफ इट इज गिवन फॉर लाइफ टाइम क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास नोट्स में सेक्शन 61 बाजू में रखना है। तो एक्स गिफ्टेड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी टू मिस वाई ऑन 15 मार्च। मिस वाई मैरिड टू एक्स, कुछ तो एक्स, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जेड, ये क्या है, कुछ तो गड़बड़, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। क्या एक्स सन चाहिए, क्या सेन हो गया ना, सन ही होगा ना। एक्स सन जेड ऑन 1 फरवरी 2003 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 इज 3 लाख। Is it added? It is added by assessing officer in the hands of X under the provision of section 64(1). Is this inclusion justified in law? तो देखो सिचुएशन क्या है, X ने गिफ्ट दिया है Y को, and Y ने मैरी किया Z, who is X। समझ में आपको, ठीक है ना। और उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अभी इंटरेस्ट तो वाई को मिल रहा है, बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि उसने जेड से शादी की है जो एक्स का लड़का है। ओके, तो नाउ बताओ आपको क्या लगता है, इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो अब इसमें 2-3 अलग अलग, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एक्स ने वाई को गिफ्ट इसीलिए दिया था ताकि वो इंटरेस्ट सन को मिले। जैसे अपने अभिषेक का एग्जाम लिखा था ना, ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, तो वैसे यहां पे क्या किया, एक्स ने वाई को डिबेंचर्स दी है, वाई ने किससे मैरिज किया, जेड से, तो इनडायरेक्टली वाई को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जेड को मिल सकता है ना। तो इनडायरेक्टली एसेट का इंटरेस्ट जो सन को ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, इनकम अपने को ये नहीं पता कि वाई ने जेड को दिया है नहीं दिया, बट इनडायरेक्टली होगा कि नहीं, क्योंकि वाई एंड जेड अभी हस्बैंड वाइफ हो गए। अरे हाँ है ना। एंड अच्छा सपोज जेड से मैरिज नहीं होता तो क्या होता, तो फिर 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर मैरिज नहीं होता तो 2 ऑप्शंस, अगर एक्स ने वाई को एसेट लाइफ टाइम के लिए दिया है तो क्लबिंग नहीं होता, एंड अगर कुछ साल के लिए दिया है तो वाई को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक्स के इनकम में क्या होगा, क्लब होगा, है ना। तो अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर अपन इतने चेक करते कि इज इट गिवन फॉर लाइफ टाइम और नॉट। बट अभी प्रॉब्लम कहां से हो, इसने इससे शादी कर ली है, तो इनडायरेक्टली ऐसा हम सोच सकते कि एक्स, एक्स अगर डायरेक्ट लड़के को देता तो इंटरेस्ट क्लब होता, तो इसलिए एक्स ने क्या किया, किसी लड़की को दिया, उस लड़की ने उसके सन से शादी कर ली। तो बताओ आपके हिसाब से कैसे काम करेंगे, इसमें क्या होगा, क्लब होगा कि नहीं होगा। एंड ऑफिसर चाहता है कि ये एक्स के हाथ में होगा क्लब, क्लब होगा, बट ऐसे सब क्या बोल रहा है, एक्स के हाथ में क्लब होगा, तो एक्स के हाथ में होगा ये, हाँ सेक्शन 64(1) देखो ना, रेफरेंस दिया है ना, जरा देखो सेक्शन 64(1) क्या है। ये सन की वाइफ हो गई ना, सेक्शन 64(1) क्या है, एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ बाय फादर इन लॉ। अच्छा ये अभी फादर इन लॉ बन गया कि नहीं, बट ये सन्स के वाइफ को ट्रांसफर किया है, बराबर है, बट जब ट्रांसफर किया था शादी तब हुई है, बाद में शादी हुई है,
बाद में, तो ये सन के वाइफ को ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये पहले ट्रांसफर है, बाद में शादी की है, तो ये क्लबिंग 64(1) में नहीं होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को किया तो होगा क्लब, बट ये जब गिफ्ट किया वो डॉटर इन लॉ थी या बाद में बनी? हाँ, तो ये उस दिन रिश्ता था कि जिस दिन दिया, नहीं तो क्या होगा, क्लबिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन बिटवीन फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ये दोनों दिन एग्जिस्ट होना जरूरी है। कौन से दो दिन? जिस दिन गिफ्ट दिया एंड जिस दिन इनकम आ रहा है। ठीक है, अभी आज इनकम आ रहा है, आज तो रिश्ता है, लेकिन जिस दिन गिफ्ट दिया था 2002 में, तब शादी हुई थी क्या? नहीं, शादी तो बाद में हुई है, 2003 में हुई है। तो ये रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। तो एसेसिंग ऑफिसर जो बोल रहा है क्लब होगा, वो क्या है? गलत है। तो बोलो क्लबिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों क्लबिंग नहीं होगा? जिस दिन गिफ्ट दिया था एंड जिस दिन इनकम आ रहा है, उस दिन रिलेशनशिप एज अ फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस इट विल नॉट बी एडेड इन द इनकम ऑफ एक्स। समझा? लिख लो आंसर, मैं बताता हूँ। लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन 1, फटाफट लिखो। लिखो लिखो, एज पर सेक्शन 64(1) हेडिंग लिखो, एज पर सेक्शन 64(1). नेक्स्ट लाइन पे लिखो, रिलेशन बिटवीन फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन डॉटर इन लॉ शुड सब्सिस्ट, SUBSIST, शुड सब्सिस्ट, SUBSIST लिखा आपने, बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, ये हो गया प्रोविजन। नेक्स्ट लाइन, इंक्लूजन ऑफ इनकम, देयर फॉर इंक्लूजन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इज अनजस्टिफाइड, इंक्लूजन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इज अनजस्टिफाइड, इन द हैंड्स ऑफ एक्स इज अनजस्टिफाइड। समझा आपको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो 64(1) के हिसाब से नहीं होगा। हाँ, अभी फिर क्वेश्चन आता है, सर फिर 61 के हिसाब से होगा क्या? 61 के हिसाब से होगा, बट मैं आंसर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे को ये पता नहीं है ये डिबेंचर लाइफ टाइम के लिए दिया है नहीं दिया है। तो ये लूप अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। 64(1) जो उन्होंने दिया था अपने आंसर दे दिया, बट इसको मैं 61 में कुछ लिख सकता हूँ क्या? नहीं। 61 में क्या बोला है? इफ एसिड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम क्लबिंग विल नॉट हैपन, एंड इफ इट इज गिवन फॉर फ्यू ईयर्स विच बिकम्स रिवोकेबल ट्रांसफर देन क्लबिंग विल हैपन। बताओ, यहाँ पे डिबेंचर लाइफ टाइम के लिए दिए, 10 साल के लिए दिए, कुछ डेटा है क्या? तो ये इधर ही छोड़ देने का एग्जाम में विपुल सर भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास 61 में एक डेटा मिसिंग है। कौन सा? हाँ, अरे समझा कि नहीं आपको? कन्फर्म? लेकिन अगर ये इनकम का होता, ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं, ट्रांसफर ऑफ इनकम होता, तो मैं 60 में क्लब करता, क्योंकि 60 में क्या लिखा है? इनकम रिवोकेबल हो या ना हो, ये इंटरेस्ट फादर इन लॉ को मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, क्लब होगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर नहीं हुआ है, एसेट ट्रांसफर हुआ है, डिबेंचर इज एन एसेट, इसलिए मैं 61 अप्लाई करूंगा। अगर 60 होता तो अपन लिखते कि हाउ इट विल बी क्लब अंडर सेक्शन 60, बिकॉज सेक्शन, हाँ आपको समझा क्या? 60 एंड 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां पे क्लबिंग के आगे के सेक्शन फेल होते हैं, कंपल्सरी 60 एंड 61 अप्लाई करना है। 60 कब अप्लाई होगा?
जब इनकम ट्रांसफर हुआ है। 61 कब होगा? जब एसेट, तो यहां पे क्या ट्रांसफर हुआ है? डिबेंचर एसेट है, पर 61 क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे हम? बिकॉज डेटा नहीं हमारे पास, हमको ये नहीं पता है कि ये डिबेंचर परमानेंटली दिए या 10-15 साल के लिए दिए। वो डेटा होता तो मैं वो भी लिखता। आई होप अभी मैंने एकदम प्रॉपरली आपको बता दिया कि मैंने आधा क्यों छोड़ा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स गिफ्ट 10 लाख टू हिज वाइफ। हाँ देखो ये है, ये आपके पास है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू वाइफ। अभी यहाँ पे दिया है, अपन ने क्या पढ़ा था, हस्बैंड वाइफ को अगर गिफ्ट देता है तो जिस दिन गिफ्ट दिया जिस दिन इनकम आ रहा है दोनों दिन वो क्या होने चाहिए? हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। अगर इनकम मिलते से उनके लाइफ का ऋतिक रोशन हो गया तो फिर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। विच डिपॉजिट इन बैंक्स एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन 1st January मिसेस एक्स विड्रॉ मनी एंड गिफ्ट इट टू हर सन्स वाइफ। शी क्लेम दैट इंटरेस्ट विच वॉज एक्यूरेट टू डॉटर इन लॉ ऑन फ्रॉम 1st January टू 31 March ऑन इन्वेस्टमेंट बिडबायर इज नॉट एसेसेबल इन द हैंड्स ऑफ हर हैंड बट इट इज इन द हैंड्स ऑफ X. Is this correct? What will be the position if Mrs. X had gifted money to her minor son instead of daughter?